सो हे माई डियर ऑडियंस, अब यू ऑल कैसे हो आप लोग। सो आज आप लोगों को पता ही चल चुका होगा, आज नहीं मतलब प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया और आप लोगों को ऑलमोस्ट सबको पता चल चुका होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने फॉर्म्स को रिलीज़ कर दिया है, और अब आप लोगों के पास फॉर्म्स फिल करने के ऑप्शन टोटली अवेलेबल हैं। ठीक है, आप लोगों को अपने फॉर्म्स को बहुत ही आराम से फिल करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने फॉर्म गलत कर दिया, प्रेफरेंस गलत डाल दी, तो आपको आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मतलब आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो आप बहुत ही आराम से अपने फॉर्म्स को फिल करो, बहुत आपके पास टाइम है, मतलब टाइम है अभी आप लोगों के पास, तो आराम से फॉर्म फिल करो, कोई जल्दबाजी नहीं मचाना, कोई भी मिस्टेक मत करना गाइस, मिस्टेक मत करना फॉर्म फिल करते टाइम। अगर आप लोगों ने गलती की तो करेक्शन के टाइम पे आप लोगों को प्रॉपर क्या करना है, कैसे करना है, वो अगेन एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अभी जब आपको टाइम मिला है फॉर्म फिल करने का, तो आराम से बैठ के अपने फॉर्म को फिल करो, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जो भी आपकी स्पेलिंग्स हैं, कोई मिस्टेक कोई एरर मत करना। फाइनली फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार चेक करके तभी फॉर्म को सबमिट करना। ठीक है, प्रेफरेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जब आपको कॉलेज अलॉट होते हैं तो प्रेफरेंस फिल करते टाइम आप लोग अपनी साइड से देखना कि आपको किस तरीके से प्रेफरेंस को फिल करना चाहिए, आपको कैसा कॉलेज चाहिए। अगर आपको फुल कॉलेज चाहिए कि मैं आप स्टार्टिंग सुबह से जाओ और शाम को आराम से रात को घर आओ, तो आप CLC लो। अगर आपको मॉर्निंग टाइम में सिर्फ कॉलेज चाहिए तो आप LC 2 लो, अगर आपको इवनिंग में चाहिए तो LC 1 लो। तो टाइमिंग ज़रूर ध्यान से देख लेना, उसके बाद आप लोग फॉर्म को फिल करना, प्रेफरेंस अपनी फिल करना। देन अभी जो हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं, वो आपकी प्रिपरेशन और थोड़ी सी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। स्ट्रैटेजी हर इंसान की अपनी खुद की स्ट्रैटेजी होती है, हम एंड टाइम पे कोई दूसरी अपनी स्ट्रैटेजी किसी को नहीं बता सकता, बट एक ओवरऑल जो प्रिपरेशन का मोड होना चाहिए वो आपको अब स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्म्स रिलीज़ हो गए हैं, अप्रॉक्स आप लोगों को एक महीना आपको फॉर्म रिलीज़ करने के बाद टाइम मिलेगा, फिर एक महीना आपको वो अपने चीज़ों को सेटिवेट करेंगे तो आपको प्रॉपरली एक महीना मिलेगा, और नेक्स्ट मंथ में मतलब थर्ड मंथ में या फिर उसके बाद आपके एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। इस बार कोविड की सिचुएशन नहीं है, आप लोग सोच सकते हो कि फॉर्म्स भी इतनी जल्दी रिलीज़ हो चुके हैं, जबकि लास्ट टाइम जब एंट्रेंस हुआ था मतलब तो अब इतनी जल्दी फॉर्म रिलीज़ नहीं हुए थे, तो उनमें टाइम लगा था क्योंकि वो कोविड सिचुएशन थी, कोविड के टाइम में चल रहे थे। बट अब यूनिवर्सिटी भी ओपन हो चुकी है, सब चीज़ें सेट हो चुकी हैं, तो डिले का तो ऐसा जब कोई भी रोल नहीं बचा, अब आपको चीज़ें टाइम टू टाइम मिलने वाली हैं, तो फाइनल टाइम अपने प्रिपरेशन का जो आप लोग अब स्टार्ट कर देना चाहिए। देन अगर जो इस पूरी वीडियो का मेन एरिया रहने वाला है, जिसे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी, वो क्या है, पहले तो हम देख लेते हैं। प्रिज्यूमिंग क्या है कि जो आपका टाइम आपको एग्ज़ाम के लिए मिलेगा, आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग से मुझे ऐसा लगता है कि 3-3.5 महीने का आपके पास में टाइम है। ठीक है, 3 महीने का सोच लो, 3.5 भी सोच सकते हो, बट 3 महीने आपके पास है, 3 मंथ्स है आप लोगों के पास अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, और जो कि वेल इनफ टाइम है। ठीक है, और अगर आप ढंग से पढ़ो तो, क्योंकि ये जो टाइम है वो ऐसा है कि आप अपने टाइम को अब वेस्ट नहीं कर सकते, 3 महीने का टाइम सफिशिएंट है बट वेस्ट करने के लिए नहीं है। तो अभी हम लोगों ने एग्ज़ाम डेट के बारे में देखते हैं, एग्ज़ाम डेट ऐसा कोई फिक्स नहीं, बट फिर भी थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या प्रिजम्पशन लगाया जा सकता है कि एग्ज़ाम कब तक होगा। देन मेन सब्जेक्ट्स को देखेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को बेसिकली कवर करने हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर। कट ऑफ के बारे में देख लेंगे, कट ऑफ वैसे ऑल दो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बना रही कट ऑफ के ऊपर, और कट ऑफ के ऊपर बात अभी करना कुछ नहीं इंपॉर्टेंट रहा मतलब रहेगा। कट ऑफ को हम टारगेट मार्क्स के साथ देखेंगे कि आपको कौन से अपने मार्क्स को टारगेट करके चलना है, टारगेट क्या कितना मार्क्स होना चाहिए, क्या आपने फैकल्टी में अपने आप को देखो, ठीक है, फैकल्टी में आ जाओ, तो वो चीज़ हम देखते हुए चलेंगे। और अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है, मॉक टेस्ट की थोड़ी सी हम चीज़ सर्च करेंगे, देखेंगे कि मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, और आपका स्टार्टिंग एरिया कैसे स्टार्ट करना है, वो सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में चेक करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो में चलते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता कि कोविड ख़त्म हो चुका है, मतलब मान सकते हो कि सब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है, कुछ भी अब ऐसा सच नहीं रहा, और फॉर्म जिस तरीके से रिलीज़ हुए हैं ऐसा साफ इंडिकेट हो रहा है कि आप लोगों के एग्ज़ाम जल्दी ही कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। अगस्त सितंबर तक फॉर्म नहीं, मतलब आपके बार एंट्रेंस नहीं जाने वाला, अगस्त मतलब लेट से लेट आप अगस्त समझ सकते हो, नहीं तो मैं सही बताऊँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाने वाले हैं, या फिर अगर वो अगस्त गया तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। ये प्रिजम्पशन इसलिए क्योंकि कोई भी डेट रिलीज़ नहीं की गई है आप लोगों के एग्ज़ाम के साथ, मतलब कोई भी ऐसा अभी टेंटेटिव डेट रिलीज़ नहीं हुई है। टेंटेटिव डेट कब रिलीज़ होंगी इसके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के माइंड में, तो वो तब रिलीज़ होंगी जब आपके फॉर्म्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे, तब आपके जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो रिलीज़ की जाएंगे। तो अभी आप सोच सकते हो कि आपके पास वेल इनफ टाइम है अगर आप अपनी प्रिपरेशन को सही से कर रहे हो। ठीक है,
कट ऑफ देखते हैं, और मैं कट ऑफ से ज़्यादा टारगेट मार्क्स पर फोकस करने वाली हूँ। कट ऑफ हर साल वेरी करती है, कोई फिक्स कट ऑफ नहीं, क्योंकि कोई फिक्स पैटर्न ही नहीं है एग्जाम का। जब कोई फिक्स पैटर्न ही नहीं है एग्जाम का, तो हम कैसे बता सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ या फिर कट ऑफ कैसे जा सकते हैं। तो उस वाले पॉइंट को भी छोड़ते हैं, हम टारगेटेड मार्क्स की बात करते हैं। तो ये जो है आपकी प्रीवियस ईयर की फर्स्ट कट ऑफ थी, 2021 वाले बच्चों का फर्स्ट कट ऑफ में इस मार्क्स पे एडमिशन हुए हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि आपको इस मार्क्स, इन सभी मार्क्स के प्लस में रहना है, प्लस 5 to 10। मतलब इस आप अगर एरिया में हो तो आप बहुत ही ज़्यादा सेफ साइड पर माने जाओगे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 240 तक या फिर 245 या फिर 240 ठीक है, इतना आपको अपने पास रखना है, ठीक है। और हाँ, इतना आप इसमें रख सकते हो, और उसी तरीके से आप आगे जितने भी कैटेगरी वाले हैं उस अकॉर्डिंग में देखिए आपको कितने मार्क्स अपने स्टोर, मतलब फर्स्ट कट ऑफ में नाम लाने के लिए रखना है। और फर्स्ट कट ऑफ ही अपना टारगेट रखना, क्योंकि फर्स्ट कट ऑफ में अगर आप अपना टारगेट रखते हो तो जो मार्क्स हैं, जो एडमिशन है, वो होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। ओके, सो मतलब आप ये समझ सकते हो कि 234 पर अगर एडमिशन हुआ है तो 240-245 ऐसे मार्क्स अगर आपके हैं तो आप हो सेफ साइड पे, राइट। देन आते हैं उसके बाद जो मेन सब्जेक्ट है आप लोग एग्जाम का, मेन सब्जेक्ट आप लोग एग्जाम का वो देखें। तो सब्जेक्ट जैसे कि आपको पता है कि मेजर जो चंक डिवाइड किया जाता है वो 5 एरिया होता है। पहला आपका पॉलिटी, देन लीगल सेक्शन, करंट अफेयर, रीजनिंग, और आपके मैथ्स और इंग्लिश। ये जो मैंने सीरीज जिस पॉइंट पे मैंने जिस नंबरिंग में ये लिखा है, आपको इसी नंबरिंग में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको पॉलिटी को कंप्लीट करना है। कंप्लीट का मतलब है कि सारे आर्टिकल्स, सारे नहीं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पॉलिटी के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो आपको दे रखी है, आपको कौन कौन से सेक्शंस को कवर करना है अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो पॉलिटी आपको कैसे करनी है, ये सब सेपरेटली मैंने इन सब वीडियोज, इन सब सब्जेक्ट की वीडियोज़ बना रखी है। तो उन वीडियोज को जाकर आप ज़रूर देखो, क्योंकि वहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं, आपको कैसे पढ़ना है वो बता रखे हैं, सब चीज़ें वहाँ पर डिस्कस है। तो अभी हम सिर्फ ओवरऑल व्यू देखने वाले हैं, और हम टाइम देखें तो आपके पास कितना टाइम है कि आप इसे कर सकते हो। तो पॉलिटी और लीगल को आप अप्रॉक्स 1 मंथ टोटल फुल दो, पॉलिटी के लिए सेपरेट 1 मंथ और लीगल के लिए सेपरेट 1 मंथ। लीगल के लिए, लीगल में आपको 3 चीज़ें करनी है, जिसमें आपका आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट और टॉट। आपको बेसिकली टाइम लगने वाला है आईपीसी में, क्योंकि आईपीसी में टाइम लगता है, थोड़ा समझना पड़ता है चीज़ों को, तो आईपीसी में आपको टाइम लगने वाला है। टॉट ईजी रहता है, एज सच टाइम नहीं लगता। और कॉन्ट्रैक्ट में आपको कुछ टर्म्स और कंडीशन को समझना है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छे से कर पाओगे, बट बेसिकली मेन टाइम लगता है आईपीसी पढ़ने में। तो आईपीसी पहले करना, देन कॉन्ट्रैक्ट करना, और देन टॉट करना, और इन सब को, इन तीनों चीज़ों को 1 मंथ के अंदर कवर करने की पूरी कोशिश करना। इसके साथ आप लोग फैमिली लॉ कर सकते हो, फैमिली लॉ भी आपको करना है, ठीक है। आईपीआर करना है आपको, तो ये सब चीज़ें भी आप साथ में करते जाओ। मतलब जो आपका 1 मंथ का टाइम होना चाहिए, उसमें आपको पूरा लीगल पोर्शन, जिसमें आपका आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉट, फैमिली लॉ, आईपीआर, ये सब खत्म होना चाहिए, ठीक है। आपको रिवीजन के लिए भी टाइम बचाना है, तो इसलिए जितनी जल्दी आप इसे कवर कर सको उतना अच्छा रहेगा आप लोग एग्जाम के लिए, ठीक है। देन आपका करंट अफेयर, ये जब आप करंट अफेयर जब करो, उसको करने के लिए आपको साथ ही, जब आप लीगल कर रहे हो और आप पॉलिटी कर रहे हो, उसके साथ के साथ आपको करंट अफेयर भी करना है। करंट अफेयर के लिए कोई सेपरेट टाइम देने की जरूरत नहीं है, साथ के साथ आप करते हुए चलोगे तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। और करंट अफेयर जब आप करोगे तो टॉपिक वाइज करना। देखो, टॉपिक वाइज करने का फायदा ये होता है कि अगर आप सोचो कि हम प्रीवियस 1 ईयर की करते हैं, तो क्या पता 1 ईयर से पहले कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ हो रखी हो जो कि पेपर में पूछ लिया जाए, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में नहीं पूछा गया। ओके, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर कवर करना, मंथली वाइज मत कवर करना, मेरा ऐसा आपका सजेशन है। आपको लेना तो मतलब मानो इस चीज़ को तो ज़्यादा बेटर रहेगा। टॉपिक वाइज चीज़ों को, जैसे कि आप स्पोर्ट्स कर सकते हो, अवार्ड्स कर सकते हो, अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट्स कर सकते हो, इंटरनेशनल न्यूज़ जो होती है वो कर सकते हो अच्छे से, और जो भी नेशनल न्यूज़ है उसको कर सकते हो, ठीक है। देन रीजनिंग के लिए आपको 1 वीक, इसको भी मैं आपको सही बताऊँ तो आपको इस टाइम के साथ, मतलब पॉलिटी, लीगल और करंट अफेयर के साथ साथ आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हुए चलो, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स ऐसा ही है जो प्रैक्टिस करते हुए आएगा, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ्स को आपको इस तरीके से करना है। तो और अगर आप करना चाहो तो 1 वीक में भी इसको कवर कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा मेन एरिया जो आपका रीजनिंग में पड़ता है वो सिटिंग अरेंजमेंट बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और आपका सिलोजिज्म, उसके बाद आपका सीरीज़ वाले जो क्वेश्चन होता है, अल्फाबेटिक सीरीज़ जो होता है, और जो न्यूमेरिकल सीरीज़ होते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। रीजनिंग में इजी होता है, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता है। तो 1 वीक अगर आप पूरा सेपरेट टाइम देना चाहो तो 1 वीक दे सकते हो। और मैथ्स और इंग्लिश, इन दोनों को साथ में लिखने का रीज़न ये है, क्योंकि मैथ्स ज़्यादा नहीं पूछी जाती प्रीवियस एग्जाम में, आई गेस 2 क्वेश्चन आए थे मैथ्स के, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस प्रीवियस एग्जाम में आने की वजह से हो गया। तो मैथ्स भी आप देख सकते हो, और उसके साथ साथ तो आप लोगों को इंग्लिश करना है। इंग्लिश में आप बेसिकली इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हुए चलो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली अगर आप 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सॉल्व करते हो तो आपके लिए इंग्लिश का सेक्शन में बहुत ईजी हो जाएगा।
ओके सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं और किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, वो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं आपको। तो अगेन अगर मैं समराइज़ करूँ तो पहले पॉलिटी करो, एक मंथ में पॉलिटी कवर करो और लीगल नेक्स्ट मंथ में लीगल कवर करो। लीगल में आपके पास 5 चीज़ें हैं, IPC कॉन्ट्रैक्ट, टॉट और आपका फैमिली लॉ और IPR। देन पॉलिटी के साथ और लीगल के साथ हम लोग करंट अफेयर कर सकते हो और रीजनिंग के लिए अगर आप देना चाहो तो एक सेपरेट वीक दे सकते हो, नहीं तो आप उसको साथ मतलब जो और सब्जेक्ट है उनके साथ आप इसे कर सकते हो। मतलब देखा जाए तो 2 से 2.5 महीने के बीच में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाने वाला है। और अगर आपके पास टाइम बचता है, टाइम मतलब ऑब्वियसली बात है टाइम बचेगा, उसमें आपको मतलब रिविजन करना है, ओके। और हो सके तो इसको और छोटा करो, टाइम और छोटा करो और जल्दी सिलेबस को कवर करो, क्योंकि रिविजन इज़ द की, प्रैक्टिस इज़ द की। तो प्रैक्टिस करते चलना, हर क्वेश्चन हर टॉपिक को करते हुए, ख़त्म करते हुए प्रैक्टिस करते हुए चलोगे तो ईजी रहेगा ये करना, राइट। और उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करते हैं, मॉक टेस्ट। ये जो है पूरा मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हुए चलोगे तो चांसेस हैं कि आप काफ़ी अच्छा कर जाओ, ठीक है। मॉक टेस्ट की बात करते हैं, मॉक टेस्ट आप लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए। एक बार अगर आप पॉलिटी प्लस लीगल ये वाला जब आप कवर कर लो उसके बाद आपको करना चाहिए मॉक टेस्ट स्टार्ट, ठीक है। क्योंकि इन्हीं दोनों के ऊपर आपका बेसिकली जो LLB का पेपर है वो इन्हीं दोनों के ऊपर होता है, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो कि और जल्दी करना है तो उससे भी जल्दी आप ये कर सकते हो। अगर आप 50% सिलेबस कवर कर चुके हो इस टॉपिक का, उस टाइम पर भी आप मॉक टेस्ट को लगा सकते हो। मॉक टेस्ट आपको बताएगा आप कहाँ पर गलत करो, हर मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना भी ज़रूरी है, कौन सा क्वेश्चन आपको गलत हो रहा है, कौन सा टॉपिक पर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहाँ पर आपने कैसे सिली मिस्टेक्स किए, तो उसको देखने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है गाइस, इसको अगर आपने स्किप किया तो जो प्रॉब्लम जो मिस्टेक आप मॉक टेस्ट में करने वाले हो वो आप अपने एक्चुअल एग्जाम में करोगे, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए। तो मॉक टेस्ट आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सके उतने ज़्यादा लगाओ, और मॉक टेस्ट का नंबर ज़्यादा करने से बेटर है कि जो क्वेश्चन आप गलत हो रहे हो उसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ पर लैक कर रहे हो अपने मॉक टेस्ट में गलत करने के लिए। इंपॉर्टेंस यही है कि हर मॉक टेस्ट को एनालिसिस करो, पॉइंट देखो कि कहाँ पर क्या बन रहा है, और उसको अगर आप लेट सपोज इमरजेंसी के पॉइंट पर आप मॉक टेस्ट का मतलब जो आपका टेस्ट क्वेश्चन है वो गलत हुआ है तो इमरजेंसी के आर्टिकल देख लो, ठीक है। फर्स्ट टाइम कब लगा था, कितनी बार लगा था, क्या प्रोविजन होते, क्या ग्राउंड होते जिसमें इमरजेंसी लगाई जाती है, सबसे पहले किसने इमरजेंसी लगाई थी, कौन सा ईयर था जब इमरजेंसी लगी थी, वो सारी चीज़ें अमेंडमेंट हुए हैं जो इमरजेंसी रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ तो सबको कैसे करना है, ओके। सो होप आपको समझ आया है कि बेस जो है आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम को निकालने के लिए वो क्या है, ओके। ये पूरी वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस ये था कि आपको समझ आए कि बेसिकली आपको करना कैसे है, चीज़ें आपको समझनी कैसे है, वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए आप लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम को स्टार्ट करने से पहले माइंड में लाना कैसे है कि आप लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हो बहुत ही सीरियस मोड पर। तो सीरियस हो जाओ अपने एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, अगर आप सीरियस रहोगे तो आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम निकलने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को निकालने के लिए, ओके। सो होप गाइस आपको वीडियो समझ आई होगी, सारे पॉइंट समझ आए होंगे, और अगर कोई भी डाउट है कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, कैसे कौन सी बुक्स कवर करें, वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी हैं, तो उसको आप कर सकते हो इस चैनल को की प्लेलिस्ट देखते हुए। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले एक छोटा सा प्रॉमिस किया था कि हम लोग उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं विद MCQ प्रैक्टिस, वो हम करेंगे, बट इस मंथ के बाद मतलब अप्रैल के बाद हम लोग वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए आप इस चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और बस इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं और किसी वीडियो में, टिल देन गुड बाय।